हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडू ट्यूटर। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। फटाफट से चेक करके बताओ मैं कि आवाज और पिक्चर दोनों क्लियर है। पिक्चर का मतलब पीपीटी से मेरी बात है। मेरी पिक्चर क्लियर नहीं भी आएगी तो चलेगा, पीपीटी क्लियर होनी चाहिए। चेक फ्रॉम माई एंड। चलो आवाज़ वगैरह तो क्लियर है मेरे साइड से, आप अपने अपने साइड से एक बार जरूर से चेक करें, क्लियर है। चलो सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आयुष अग्रवाल एंड आई एम अ सोशल स्टडीज एजुकेटर फॉर क्लास 8। और क्लास 8 की कंप्लीट हिस्ट्री मैं आपको इस चैनल पे करवा रहा हूँ, ओके। जिसमें हम अभी सिर्फ चैप्टर्स कर रहे हैं, फिर हम रिविजन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो ये सारा कुछ इस चैनल पर आपको मिलेगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, एंड डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ओके। तो बच चुके हैं दोपहर के 3 और हमारी लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्लियर है। 3 PM पे हमारी लाइव क्लास जो है चलती है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि आपकी आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो आपका पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2, ओके। तो जो बच्चे पहली बार क्लास में एंटर कर रहे हैं वो उनको मैं बता दूं कि पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को रिकॉर्डेड देख लीजिए, क्योंकि तब तक क्लास खत्म हो गई है ना। ये पार्ट 2 चल रहा है हमारे क्लास का। पार्ट 1 हमने कल कवर किया था एग्रीकल्चर का, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी हम बात करेंगे कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक। अगर हम बात करें तो कल की क्लास में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। हमने एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर हमने फार्म सिस्टम पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है वो हम कर रहे थे, जिसमें हमने दो तरह की फार्मिंग पढ़ी थी, सबसिस्टेंस और प्रिवेंटिव, है ना। सब्सिस्टेंस और प्रिवेंटिव फार्मिंग हमने पढ़ी थी, जिसमें हम सब्सिस्टेंस हमने कर लिया था, बाकी कुछ बाकी था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे, और आज आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपका दो तरह की फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ओके। और अगर हम बात करें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैंने स्टार्टिंग में गलती बोल दिया, क्या बोला? देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग जो है वो दो तरह की होती है, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल, है ना। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि जब हम अपने अपने जीवन के लिए, है ना, खुद के जीवन के लिए जब हम खेती कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम खेती कर रहे हैं खुद के खाने के लिए, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम खरीद सके, या मतलब हमारे पास इतना भी खेती हमारी नहीं होती कि हम उसको बेच सके, मतलब जो भी हमारी खेती होती है वो हमारे हमारे खुद के परिवार के लिए होती है, और साल भर पूरे साल हम उसको उसी को खाते हैं, उसी को मतलब कंज्यूम करते हैं, मतलब उसको मतलब कहने का मतलब क्या, बेसिक फार्मिंग जो होती है ना उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए जो हम फार्मिंग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्लियर हो रहा है। ये हमने कल बात की थी। सब्सिस्टेंस में क्या होता है, दो तरह की फार्मिंग आती है फर्दर, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव पहला, और आपका दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, क्लियर है। अब इंटेंसिव और प्रिमिटिव क्या होता है इसके बारे में बात, देखो अगर हम बात करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। In this type of farming, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. क्या बोल रहा है कि farmer जो है वो छोटी सी land का area को cultivate करता है, ओके, small plot of land, जिसमें वो simple tools का इसको use करता है, बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं कि tractor use कर रहा है, harvester use कर रहा है, ऐसा नहीं होता। Simple जो छोटे मोटे tools उनको use करता है, और उसमें labor ज़्यादा होता है, labor का काम ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा लोग उसमें काम करते हैं। क्लाइमेट जहाँ पर विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन, जहाँ पर ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर सनशाइन बहुत देर तक रहती है ना, ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है और सनसेट लेट से होता है, ऐसा जहाँ पर क्लाइमेट होता है, और जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है, तो वहाँ पर हम देखेंगे वहाँ की जो ज़मीन है उसमें हम एक टाइम मतलब एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ग्रो किया राइस से ग्रो करने के बाद हमने कुछ और ग्रो कर लिया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सफिशियंट अमाउंट में सनलाइट आ रही है और सॉइल भी फर्टाइल, इसी रीजन से क्या है हमें इससे ज्यादा क्रॉप वहां पे ग्रो कर पाए। यहां तक बातें क्लियर है। इंटेंसिव अगर हम बात करेंगे तो राइस इज द, राइस जो है बच्चे, राइस क्या है, राइस हमारा मेन क्रॉप है, ओके, इंटेंसिव का। अदर क्रॉप जो है उसमें इंटेंसिव में वो है वीट है, मेज है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है। कहने का मतलब वो बेसिक क्रॉप्स हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, मतलब रोज हम डेली जो हम कंज्यूम करते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिक क्रॉप्स, या फिर स्टेपल फूड उसको हम बोलते हैं, है ना। तो उस सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपको वही क्रॉप्स मिलेंगे जो कि स्टेपल फूड में आते हैं, जैसे राइस हो गया, ग्राम हो गया, पल्सेस हो गया, वीट हो गया, ये हम रोज कंज्यूम करते हैं, राइट।
तो इसलिए ये सारे क्रॉप्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? हाँ, दिस फार्मिंग इज प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मॉनसून रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फार्मिंग है, अगर हम बात करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो ये फार्मिंग कहाँ पे? थिकली पॉपुलेटेड एरिया, ऐसा एरिया जहाँ जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वहां पर मिलता है, जहां पर मानसून रीजन हो। जैसे साउथ की बात करेंगे, साउथ ईस्ट की बात करेंगे, मतलब केरला वाला रीजन, और आपका ईस्ट एशिया की बात करेंगे, है ना, ईस्ट एशिया की बात करेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया आपका, झारखंड बिहार हो गया, इस यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो वहां पर की जा रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते, एक ओके, तो अब क्या बात करनी है? अब बात करनी है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? देखो, इट इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने शायद आपको बताया नहीं, बता फिर बता दे रहा हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग दो नाम से और जानते हैं। पहला है आपका JHUM, झूम कल्टीवेशन। पहला है झूम कल्टीवेशन, क्लियर? या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैश, SLASH, स्लैश एंड बर्न, BURN, ओके, बर्न टेक्निक, क्लियर है? स्लैश एंड बर्न टेक्निक। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग दो नाम से और जानते हैं, झूम और स्लैश एंड बर्न टेक्निक, क्लियर है? एक आपका होता है नोमैडिक हर्डिंग। प्रिमिटिव का बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव में एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरी होती है नोमैडिक हर्डिंग। ये दोनों जो पार्ट है, ये आपका प्रिमिटिव हो गया और इंटेंसिव हो गया, दोनों पार्ट हम किसके हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग के पार्ट हम पढ़ रहे हैं, क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक्चुअली में क्या होता है। देखो, इट इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कहाँ कहाँ पर होता है पहले वो? पहला आपका होता है अमेज़न बेसिन में। अमेज़न फॉरेस्ट में सुना है ना, हम वही उसी में जो वही जो एरिया है उसको हम बोलते हैं अमेज़न बेसिन। वहां पर आपका होता है थिक फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पे थिक फॉरेस्ट है। फिर आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका, अफ्रीका का ट्रॉपिकल रीजन है ना, वहां पर आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। फिर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट जो है वहां पर आपका होता है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वो एरिया। तो ये सारे एरियाज में क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर हो रहा है? हाँ, दीज आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। क्या बोला है, ये जो एरिया है ये बहुत हेवी रेनफॉल का एरिया है, और यहाँ पे क्विक रीजनरेशन होता है वेजिटेशन का। ओके, क्या हो रहा है कि ये जो एरियाज है वो हेवी रेनफॉल का एरिया है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और यहाँ वेजिटेशन है वो क्विकली रीजनरेट करता है। मतलब जैसे मान लो कि आपने आपने क्या किया, तो होता है क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, वो पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि ये लैंड है, ओके, सपोज करते हैं कि ये लैंड है। इस लैंड पे क्या है, कई सारे पेड़ वगैरह जो है फॉरेस्ट में, मान लो कि फॉरेस्ट लैंड पे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के में पेड़ हो गए, तो कई सारे पेड़, तो पेड़ों को क्या किया गया, पेड़ों को काट दिया गया। अब पेड़ों को काटोगे तो जड़ से तो आप उसके पेड़ को तो उसके रूट से नहीं निकाल सकते हो, है ना? ऐसे थोड़े प्लांट, थोड़े प्लांट है ना कि आपने प्लांट वैसे पकड़ा और ऐसे निकाल दिया तो वो रूट से निकल गया, ऐसा नहीं होता ना। आप एक ट्री को कैसे कैसे रूट से निकालोगे, वो तो पूरा अंदर बहुत मजबूत होता है। तो आप ट्री को कट करते हो, तो आपने क्या किया, ट्री को कट कर दिया। तो ट्री को कट करोगे तो कुछ इस तरह से आपको एक पोर्शन जो है ट्री का जो बच गया होगा नीचे में, वो आपको दिखेगा। ये ट्री का जो बचा हुआ जो स्टेम होता है, जो आपके रूट से कनेक्टेड होता है, वो आपको दिखेगा। बाकी ट्री जो अपने ऊपर का था वो तो कट कर, है ना? अब ये क्या है, मान लो इस तरह से हमने कट कर दिया, तो इस पर भी अभी खेती हो सकती है, नहीं हो सकती है। जब तक ये पूरा जो है ये सब रहेगा, तब तो फिट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम इसको बर्न करना शुरू करते हैं, हम यहाँ पर आग लगाते हैं। क्या करते हैं, हम यहाँ पे बर्न करते हैं। बर्न करने की वजह से क्या होता है, ये सारा कुछ खत्म हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटैश। इट कन्वर्ट इन टू पोटैश, और पोटैश में कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर खेती जो है वो पॉसिबल हो जाती है। फिर हम लोग यहाँ खेती करते हैं,
खेती करने के बाद जब हम यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन करने के बाद जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद वापस से हम इस लैंड को बर्न करते हैं और वापस से फिर इसमें खेती करते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि यदि कोई, अच्छी बात क्या है कि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर क्या है, आपको रेनफॉल बहुत हेवी मिलेगा, पर हेवी रेनफॉल कारण क्या होता है कि यहाँ पे वेजिटेशन का रीजनरेशन बहुत ज्यादा क्विक होता है, बहुत इजिली बहुत जल्दी हो जाता है ना। बहुत आपने आज आज यहाँ पर कुछ भी प्लांट हटाया, अब देखोगे 2 दिन के बाद फिर से वहां कोई ना कोई प्लांट हो जाएगा, तो वहां पर रीजनरेशन बहुत फास्ट होता है, राइट। ज्यादा पानी पी लिया यार मैंने, ठीक। तो क्या मैं बोला था कि रीजनरेशन काफी फास्ट होता है, क्लियर है यहां तक बातें? आगे बात करते हैं। देखो मेथड क्या है, मेथड के बारे में आपको पहले पहले मेथड से पहले एक पिक्चर देखो। पिक्चर में दिख रहा है इस तरह से, क्या है कि देखो आप पूरी पूरी तरह से देखोगे जमीन पर पूरा पूरा जो है ऐश पड़ा हुआ है ना, प्लांट के एशेज है वो पड़े हुए जमीन पे, मतलब दिख रहा है साफ साफ की जमीन जो है वो जली है ना, वहां पे आग लगी हुई तो उसको जलाया गया, वो दिख रहा है। देखो मेथड क्या है, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लीन्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। क्या बोला जा रहा है, एक प्लॉट ऑफ लैंड में पेड़ों को गिराकर उनको उसको उसको मतलब क्लीन किया, क्लियर किया जाता है और फिर उसको बर्न कर दिया जाता है, जलाया जाता है। द एशेज आर देन मिक्स विद सॉइल एंड क्रॉप्स आर ग्रोन। फिर जो ये ऐश है ऑटोमेटिकली क्या करता है, देखो बारिश होगी, अब बारिश होगी तो क्या होगा, ये ऐश जो है सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद क्या होगा कि सॉइल में पोटैश की मात्रा आ जाएगी और क्रॉप्स फिर जो जो है क्रॉप्स वहां पर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, मतलब तो हम जब सो सीड सो करेंगे ऑब्वियसली तब, है ना। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, लेकिन क्या होगा जैसे देखो बर्निंग की वजह से क्या होता है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज भी करता है, बार बार रेगुलर अगर आप बर्निंग कर रहे हो तो उससे सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज करता है। जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज करता है तो लैंड को हम लोग क्या करते हैं, अबैंडन कर देते हैं, लैंड को हम लोग छोड़ देते हैं एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू न्यू प्लॉट। कल्टिवेटर जो है वो यहाँ से कहीं और चले, किसी और प्लॉट पर किसी और एरिया में चले जाते हैं। देखो जब भी हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की दिक्कत क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होता है, लैंड एक तो पोल्यूशन ज्यादा होता है ना, जैसे आप अभी देखोगे न्यूज वगैरह में, अभी तो नहीं चल रहा है बट पहले चल रहा था कि बहुत ज्यादा दिल्ली में पोल्यूशन है, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन है वो हरियाणा की वजह से हो रहा है, कि हरियाणा बगल में है ना, हरियाणा जो है वो जो जस्ट उनके साइड में है और हरियाणा में क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, तो वहां पर जब लैंड को बर्न करते हैं तो जो जितना भी पॉल्यूशन है वो दिल्ली में हरियाणा से आ जाता है और दिल्ली पोल्यूट ज्यादा हो रहा है हरियाणा की वजह से, है ना, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। तो कहने का मतलब क्या है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से पहली चीज पोल्यूशन बहुत होता है, दूसरी चीज क्या होती है कि लैंड की फर्टिलिटी वो खत्म हो जाती है, लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी खत्म हो जाती है, और इसी रीजन से क्या होता है कि जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म किया जाता है तो उसके बाद जो लैंड को है वो लैंड वो जो लैंड है उसको अबैंडन कर दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है ना, लैंड को छोड़कर चले जाते हैं, क्लियर है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या बोला जा रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया, क्लियर है। हाँ अब बात करते हैं किसकी, नोमैडिक हर्डिंग की, है ना, अब बात करेंगे नोमैडिक हर्डिंग की। इट इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोला जा रहा है कि आपका जो नोमैडिक हर्डिंग है वो सेमी एरिड रीजन में या फिर एरिड रीजन में परफॉर्म प्रैक्टिस किया जाता है। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज एरिड या सेमी एरिड रीजन, एक्चुअली में होता क्या। अगर हम बात करें तो एरिड रीजन का मतलब होता है जहां पर आपका सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो, बारिश जहां पर कम होती है, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा कम होती है उसको हम लोग उस रीजन को बोलते हैं एरिड रीजन, क्योंकि वहां सॉइल जो होगी उसमें आपको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, बहुत ड्राई सॉइल होगी, है ना। एरिड रीजन का मतलब है जहां पर सॉइल आपकी क्या है, ड्राई है, सॉइल आपकी ड्राई है और क्या है मॉइस्चर कंटेंट कम है, मॉइस्चर जो है वो आपकी सॉइल में कम है, उसको हम लोग बोलते हैं एरिड रीजन। ओके, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, जो देख रहे हैं लाइव पर, अगर नहीं देख रहे हैं जो प्योर, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, है ना, तो मैं एक बात बोलूंगा कि पिक्चर की तरह मत देखो, एक नोटबुक और पेन लेकर बैठो, नोट्स उसके बनाओ, है ना, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर नोट्स बनाओ। पीपीटी कॉपी करने की जरूरत नहीं है,
पीपीटी कॉपी करनी होती है, पीपीटी ही देनी होती है, तो मैं पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री में दे देता हूँ, है ना। टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो फंडो ट्यूटर का टेलीग्राम चैनल है क्लास 8 का, उस पर मैं पीपीटी आपको फ्री में देता हूँ। और पीपीटी से बात नहीं बनेगी ना, राइट। पीपीटी इज नॉट नोट्स, है ना। तो ये इसको लेने से कोई फायदा नहीं है प्रेजेंटेशन को, है ना। तो आप कॉपी में खुद के नोट्स बनाओ, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आप समझ रहे हो, उस सबसे अपने नोट्स बनाओ कि हाँ सर ने एरेड बोला तो एरेड में सर ने क्या बोला। तो अभी तक आपकी कॉपी में ये नोट होना चाहिए था कि एरेड रीजन इज, आप वहां पर डैश देके वहां आपको लिख देना चाहिए था कि ड्राई सॉइल और लेस मॉइस्चर कॉन्टेंट, ये आपको नोट करना चाहिए था, बट आपने नोट नहीं किया होगा, है ना। वो भी नहीं चल रही है ना। थोड़ा सा सिंसियर बनो, है ना। कॉपी नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठो और लिखो उसको, है ना, नोट्स बनाओ। बाकी उससे क्या होगा कि आपको रिविजन करने में आसान होगा। मान लो कल आपका एग्जाम है और आपको चैप्टर एक बार में रिविजन करना है, अपना फटाक से नोट्स खोला, फटाक से 4 पेज का नोट्स आपने देख लिया, हो गया रिविजन, चैप्टर याद आ गया कि क्या चैप्टर में क्या था, है ना। दैट विल हेल्प यू। पीपीटी आप पूरी, आप देखो पीपीटी कितनी स्लाइड्स की है, 32 स्लाइड्स की पीपीटी। आप 32 स्लाइड्स की एक चैप्टर का आप रिविजन करने बैठोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, वो भी देखो इतनी इतनी लाइन से, है ना। नॉट पॉसिबल। पूरा एसएससी रिविजन करना एग्जाम से पहले तो नॉट पॉसिबल नहीं कि आप पीपीटी रीड करोगे, है ना। और मैं गारंटी बोलता हूँ कि मैं आपको भेज भी दूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं इसे, है ना। इससे बेटर है कि आपने नोट्स बनाओ और नोट्स आपको आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। क्लियर है। देखो तो एरेड के बारे में हमने क्या बात की कि एरेड जो है बच्चे वो क्या है, वो आपका ड्राई सॉइल का एरिया है। ओके, वहां पे सॉइल बहुत ड्राई होती है। जैसे हम बात करें सहारा डेजर्ट की, डेजर्ट एरिया, एरेड सॉइल बेसिकली कहाँ होता है, डेजर्ट एरिया में। जैसे सहारा डेजर्ट की बात की, सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, इंडिया के कुछ पार्ट की बात करते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, थार डेजर्ट है ना, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहां पर भी है ना। तो ये सब में क्या है, यहाँ की जो मिट्टी है उसमें उसमें मॉइस्चर कॉन्टेंट कम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर, अब देखो क्योंकि मॉइस्चर कॉन्टेंट कम है सॉइल में और यहाँ बारिश कम होती है, तो क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर करना मतलब कि समझदारी वाली बात है, क्या ये समझदारी वाली बात है कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर करें, सोच के बताओ। क्या ये समझदारी वाली बात है कि ऐसे जगह पर जहां पर मॉइस्चर कंटेंट कम है, सॉइल ड्राई है ना, मिट्टी सूखी हुई है, क्या वहां पर एग्रीकल्चर करना मतलब खेती करना, क्या वहां पर समझदारी वाली बात है? अब बोलोगे नहीं है, है ना। तो यहाँ के लोग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ के लोग करते हैं नोमैडिक हर्डिंग। अब नोमैडिक हर्डिंग में दो पार्ट आते हैं, पहला आता है नोमैडिक और दूसरा आता है हर्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, नोमैडिक का मतलब होता है बच्चे जब हम एक जगह पर सेटल्ड नहीं है ना। जैसे मान लो क्या है कि अब जैसे अभी क्या है कि आप जहाँ रह रहे हो, आप अपने अपने घर में रह रहे होगे, है ना। आप अपने घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस घर आते हो, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप अपने घर से स्कूल निकले, फिर स्कूल से मान लो आप दिल्ली में रहते हो, तो आप अपने घर से स्कूल निकले, स्कूल से फिर चले गए पंजाब, पंजाब से फिर चले गए, फिर पंजाब में कोई नया स्कूल ज्वाइन किया, वहां पर फिर स्कूल गए, स्कूल से फिर वहां से चले गए हरियाणा, फिर वहां पर नया स्कूल ज्वाइन किया। ऐसा तो नहीं करते हो, है ना। आप अपने ही दिल्ली में जहाँ रह रहे हो, घर से निकलते हो स्कूल जाते हो, स्कूल से निकलते हो घर आते हो, है ना। तो इसको बोलते हैं हम सेटल्ड लाइफ। जब आप एक जगह पर सेटल्ड हो, आपको वापस एंड ऑफ द डे आपको वापस वहीं आना है ना। मान लो आप सुबह निकले हो, आप घूम रहे हो अपने सिटी में, पार्टी कर रहे हो, जो करो, लास्ट में एंड में आपको आना घर ही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेटल्ड लाइफ है, ना, कि आपको रहना वहीं है, आप वहीं रहोगे। नोमैडिक का मतलब होता है कि आपका कोई ठिकाना नहीं है, आप आज यहाँ हो कल कहीं और चले जाओ, है ना। आप जैसे मान लो कि आप इसे मान लो कि आप दिल्ली आए, जैसे जो ट्रैवलर ट्रैवल लॉगिंग करते हैं, जो लोग ट्रैवलर्स होते हैं, है ना, वो लोग, उन लोगों का क्या है, वो लोग नोमैड्स हैं। देयर नोमैड, नोमैड का मतलब क्या होता है कि उन लोगों का ठिकाना नहीं है। आज आज इंडिया में है, कल सिंगापुर चले गए, सिंगापुर में 2 दिन रहे, वहां पे वहां की सिटी एक्सप्लोर की, वहां की लाइफ एक्सप्लोर की, ब्लॉगिंग करी, 2 दिन 3 दिन रहे, फिर वहां से निकल गए कहीं और, न्यूयॉर्क चले गए, न्यूयॉर्क में 2 दिन 3 दिन रहे, वहां पर ब्लॉगिंग की, वहां पर लाइफ एक्सप्लोर की, फिर वहां से किसी और कंट्री में। तो इस तरह से क्या है, वो हर एक कंट्री से कंट्री जाते रहे। तो इसको बोलते हैं नोमैडिक लाइफ, है ना, जब आप एक जगह पर सेटल नहीं जी रहे हो, है ना। तो यहाँ पर नोमैडिक लाइफ का मतलब था कि देखो लोग जो है वो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते घूमते रहते। मान लो कि मेरे पास 10-20 जानवर है, तो मैं अपने जानवरों के साथ क्या कर रहा हूँ, एक से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहा हूँ, घूमते जा रहा हूँ। देखो मेथड की बात, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। क्या बोला जा रहा है कि इस तरह की फार्मिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि हर्ड्समैन हो गए, जो हर्ड्समैन का मतलब ये जो बंदा ये हर्ड्समैन है, दिस बंदा इज हर्ड्समैन। हर्ड्समैन का मतलब होता है जो अपने जानवर जानवर को हर्डिंग कर रहे हैं, है ना। जैसे बोलते हैं जानवरों को चराने वाला चरवाहा हिंदी में, तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश में हर्ड्समैन। तो हर्ड्समैन अपने जानवरों को क्या कर रहा है,
हॉर्समैन जो है वो अलग अलग जगह पर घूमता है अपने एनिमल के साथ, फॉर्डर के लिए, वाटर के लिए, अलग डिफरेंट। जैसे मान लो क्या हुआ कि देखो, पहले तो पहली बात क्या है कि ये एरिड रीजन है। अब एरिड रीजन है तो जाहिर सी बात है कि पानी की कमी होगी, है ना। ऐसा नहीं कि भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल है। जैसे मान लो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, झारखंड में आप कहीं भी जाओगे, किसी भी गाँव में चले जाओ, वहाँ गाँव में चले जाओ या किसी भी सिटी में चले जाओ, आपको वहां पर ऐसा पानी का स्रोत जरूर मिल जाएगा जहां पर आपको बहुत पानी मिलेगा। हर एक सिटी में, हर एक जगह पर आपको पानी मिल जाएगा। पानी पानी नदियां हर जगह है ना, सारी जगह से फ्लो करती है, तो वहां पर बारिश होती है इसलिए। लेकिन एरिड रीजन में क्या है, आपको पानी ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर पानी है मान लो, लेकिन वो पानी है तो वो कुछ दिन के लिए है, फिर वो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उसके कारण एवोपोरेट हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो वापस मान लो जैसे जानवर को मैं अपने यहाँ लेकर आया, यहाँ पर पानी अवेलेबल है, घास फूस अवेलेबल है, घास फूस की भी कमी होती है वहाँ पर डेजर्ट एरिया में, घास फूस ज्यादा नहीं होता है। तो वहां पर मेरे जानवर मान लो घास फूस खा रहे हैं, तो घास खा के एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगा, है ना। और क्योंकि सॉइल जो है वो ड्राई है, तो रीजनरेटिव जो कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है, तो ग्रोथ भी बहुत स्लो होगी। अब उतना देर हम ग्रो करने का उसका वेट तो नहीं करते रहेंगे, क्योंकि घास जब ग्रो करेगा तब मेरी गाय खाएगी, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम नए जगह पर जाएंगे और वहां पर तलाश करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पर मेरे गाय के लिए फॉर्डर अवेलेबल है, कहाँ पर मेरे मेरे एनिमल्स के लिए जो है पानी अवेलेबल है, वगैरह वगैरह। क्लियर हो रहा? तो इसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, है ना। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो शीप हो गया आपका एग्जाम्पल, कैमल हो गया, एनिमल्स में याक हो गया, है ना। याक आपको कहाँ मिलेगा, याक आपको मिलेगा लद्दाख में, है ना। आपको लद्दाख मतलब जहाँ पर ठंडी ठंडा इलाका होता है बेसिकली, वहां मिलता है ना, कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू में, यहाँ पर आपको याक मिल जाएंगे। क्लियर है। फिर आपको गोट मिलेंगे जो कि कॉमनली जो लोग रेयर करते हैं, है ना। आप देखो कि पहाड़ी इलाकों में या फिर ठंडे के इलाकों में ज्यादातर आपको शीप मिलेंगे, याक मिलेंगे, गोट्स मिलेंगे, है ना। और कैमल जो है वो आपको डेजर्ट एरिया में मिलेगा, क्योंकि कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकता है। क्लियर है। अब देखो इनसे मिलता क्या है, इनसे मिलेगा क्या, आप बोलोगे सर क्या फायदा है इनको इतना खिला पिला के, इनसे क्या मिलता है, इनसे मिलता क्या है। जैसे मान लो अगर आप गोट को रेयर कर रहे हो उससे आपको मिल्क मिल जाएगा, है ना। आप शीप को रेयर कर रहे हो उससे आपको वुल मिलेगा, है ना, मीट मिलेगा, ओके, हाइट्स मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको किसके जानवरों से मिलती है। क्लियर है। यहां तक बात है क्लियर है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग एक्चुअली में क्या होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्लाइड में नंबर कितने में देख लेते हैं, हम लोग स्लाइड में 18 में है, आपके 32 स्लाइड है। तो अगर आज कंप्लीट नहीं भी होता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। ओके, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेलिंग मार्केट। क्या बोला रहा है, कमर्शियल फार्मिंग में आपका क्रॉप्स को ग्रो करते हैं हम लोग और एनिमल्स को रेयर करते हैं, लेकिन मार्केट में सेल करने के लिए। अभी तक आपने जो देखा सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, वो सब था अपना जीवन यापन करने के लिए, है ना, खुद के लाइफ को सस्टेन करने के लिए, खुद के लिए खुद के जीने के लिए, है ना। हमारे खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं और वो जमीन से इतना ही खेती कर पा रहे हैं जितना से हम खुद खा सकते, है ना। तो वो खुद के लाइफ को जीने के लिए हम वो खेती कर रहे थे, हम बेचने के लिए नहीं कर रहे थे। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब देखो, जहां भी कमर्शियल वर्ड आ जाता है वहां पे मतलब होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ पैसा का लेन देन हो रहा है ना। तो कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है कि हम क्रॉप, अब देखो कमर्शियल फार्मिंग पहली बात करते कौन है, जिन लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड प्रॉपर्टी होती है वो लोग कमर्शियल फार्मिंग, है ना। मान लो मैंने आपको सब्सिस्टेंस में क्या बोला कि स्मॉल प्लॉट, छोटा सा लैंड का पार्ट ही है, तो कितना खेती है ना। मान लो आप 100, मान लो आप क्या कर रहे हो, आप 100 kg ऑफ राइस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो। अब 100 kg राइस आपको पूरे साल में खत्म हो जाएगा, आपकी पूरे साल की जो फैमिली की खपत है, मान लो आपका पूरा फैमिली जो है वो 100 kg राइस जो है कंज्यूम करेगा पूरे साल में, तो आप आपने और आपने ग्रो कितना किया 100 kg, तो आप उसको बेचोगे क्या, पूरा आप तो पूरा सब पूरा रख लोगे ना फैमिली के लिए, बेचोगे क्या उसमें, समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसीलिए जो आपके अगर बात करेंगे जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें वो कौन करता है, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती है, तो वो क्या करते हैं, मान लो कि इतने पार्ट को उन्होंने खेती की और इतना पार्ट जो है वो उसने उन्हें अपने घर के रख लिया, और बाकी पार्ट में जो भी उन्होंने खेती की वो सारा खेती करने का जो इतना भी प्रोड्यूस हुआ वो सारा प्रोड्यूस उन्होंने बेचने के लिए प्रोड्यूस किया था, है ना। क्या किया था, बेचने के लिए प्रोड्यूस किया था। और वो लोग एनिमल रेयरिंग भी करते हैं, दे ऑल्सो रेयर एनिमल्स, वो एनिमल्स की रेयरिंग भी करते हैं, लेकिन वो भी क्या होता है, बेचने के लिए, है ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक हाईब्रिड काउ को मैंने मैंने रेयर किया और बाद में मैंने उसको बेच दिया अच्छे दाम पे, है ना। मैंने गोट, अच्छे अच्छे गोट्स को क्या किया, रेयर किया, उनके ब्रीड्स को रेयर किया, अच्छे से ब्रीड्स को उनको मैंने खाना पीना अच्छे से खिलाया, तो फिर मैं उनको क्या करूंगा, बेच दूंगा।
समझ ना, रसोई स्टोर से क्या करते हैं, एनिमल ब्रीड करते हैं, लेकिन किसके लिए, बेचने के लिए, टू सेल। क्लियर है यहाँ तक? द एरिया कल्टीवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज, देखो मैंने बताया आपको, अगर कोई भी कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है इसका साफ साफ मतलब है कि उनका जो एरिया होगा वो बहुत बड़ा होगा, है ना, और वो जो पैसा उसमें लगाएंगे वो बहुत ज्यादा पैसा लगेंगे, कैपिटल बहुत ज्यादा लगेंगे। समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। क्या बोला जा रहा है कि ज्यादातर जो वर्क है, ज्यादातर जो काम है वो मशीन इसमें करती है। अब इतनी देखो, इतना बड़ा लैंड है, मैं क्या बोला, इतनी बड़ी लैंड है, इतनी बड़ी जमीन है। अब इतनी बड़ी जमीन में आपको लगता है क्या कि कोई भी कमर्शियल फार्मर जो है वो लेबर रखेगा? कितना लेबर लग जाएगा, है ना, इसमें बहुत ज्यादा लेबर लग जाएंगे। तो इससे लेबर से अच्छा है उसने क्या किया, उसने एक बार पैसा इन्वेस्ट करके मशीन खरीद ली और मशीन को काम पे लगा दिया। अब मशीन अपने आप काम कर रही है, लेबर का खर्चा बच रहा है ना, लेबर को डेली वेज देना पड़ता है, मशीन एक बार खरीद ली तो खरीद ली, है ना, ये चीज है। तो बड़े बड़े कमर्शियल फार्म में क्या होता है, आप देखोगे कि वहां पर मशीन लगी होती है, मशीन से काम करती है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, ओके, मिक्स्ड फार्मिंग होती है, और आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है कमर्शियल फार्मिंग में, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्लियर हो रहा है यहां तक? एक मिनट, लेट मी चेक किया, मैंने स्टार्ट कहां से किया, स्टार्टेड फ्रॉम टाइप्स ऑफ, चलो मैंने क्या बोला कि दे प्रोवाइड, अब देखो ये तो हो गई बात हमारी, है ना। हाँ, कमर्शियल फार्मिंग के तीन पार्ट, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये क्या होता है वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पहले क्या होती है ना, व्हाट इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग से नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ घी, कुछ ना कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कमर्शियल तो कर रहे हैं लेकिन ग्रेन के साथ कर रहे हैं। देखो क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, क्रॉप जो है वो कमर्शियल पर्पस शुरू किए थे, साफ सी बात है। कॉमन क्रॉप इसमें कौन होते हैं, इसमें वीट और मेज जो है वो आपके कॉमन क्रॉप होते हैं ग्रेन फार्मिंग। क्या होता है, वीट और मेज जो है वो आपके कॉमन क्रॉप होते हैं ग्रेन फार्मिंग। मेजर एरियाज की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड एशिया। क्या बोला जा रहा है कि मेजर एरिया कौन कौन से, मेजर एरिया है आपके टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ये आपके मेजर एरियाज है ना। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया आपके मेजर एरियाज होते हैं जहां पर आपका कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो किया जाता है। क्लियर, ओके। नॉर्थ अमेरिका आपका ऊपर में हो जाएगा इस तरह से, चलो ये इस तरह ऐसा तो नहीं दिखता है, इस तरह से दिखता है कि यूरोप आपका कहीं पर यहाँ पर हो जाएगा और आपका एशिया कहीं पर, क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो है आपका कमर्शियल जो है फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग यहाँ पर होता है। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप पर ग्रो। क्या बोला रहा है कि सीवियर विंटर जो है वो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, है ना, रिस्ट्रिक्ट करते हैं ग्रोइंग सीजन को, और ग्रोइंग सीजन को एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, और एक सिंगल क्रॉप ही ग्रोन होता है। देखो अब होता क्या है कि ग्रोइंग सीजन में सीवियर विंटर पड़ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती है, और इसी कारण क्या होता है, ठंडी पड़ने की वजह से सनलाइट इनको प्रॉपर मिल नहीं पाती और एक ही क्रॉप ग्रो किया जा सकता है, एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते। क्लियर है ना। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, मिक्स फार्मिंग। सो द लैंड यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। Land used for growing food and fodder crop, food and land is used for growing food and fodder crop and raising livestock. मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या है, देखो लैंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फूड भी ग्रो कर रहे हैं, फॉर्डर भी ग्रो कर रहे हैं, फूड भी ग्रो कर रहे हैं, फॉर्डर भी ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइफ स्टॉक को भी रेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स फार्म, है ना। जहां पर आप खाना तो ग्रो कर ही रहे हो, साथ में गायों जो आपके जो जानवर हैं उनका जो खाना है उसको भी ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको रेयर रेयर भी कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फार्मिंग। क्लियर है, ओके। अब एरियाज की बात करें तो कहाँ कहाँ पर होता है, ये आपके यूरोप में मिक्स फार्मिंग होती है, ईस्टर्न यूएसए में होती है, अर्जेंटीना में होती है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में होती है, न्यूजीलैंड में होती है, और साउथ अफ्रीका में होती है। यहाँ इन जगहों पर क्या होती है, मिक्स फार्मिंग। नोट करते जा रहे होगे, आई होप, अगर नोट नहीं कर रहे हो बच्चे तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का, है ना, फिर किसी से भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं, प्लीज नोट्स बनाओ, है ना, नोट्स बनाओगे तभी कोई फायदा है, या मतलब भूल जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सिंपल सा बात है, मिक्स फार्मिंग मैंने बोला है, मिक्स फार्मिंग में क्या लिखना है, मिक्स फार्मिंग मान लो आपने लिखा, है ना, आपने मान लो, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ, मिक्स फार्मिंग सिर्फ लिख रहा हूँ, आपने नोट कैसे बनाना, मिक्स फार्मिंग लिखा, एरो डाला, आपने लिखा फूड प्लस, एक प्लस का साइन दे दिया यहाँ पे, तरह से प्लस
ऑर्डर प्लस शेयरिंग लाइफ स्टॉक, शेयरिंग लाइफ स्टॉक, इस तरह से करके नोट बनाना होता है शॉर्ट में, है ना। आपको एक बार में याद हो जाता है कि समीर शर्मा में ये होता है। क्लियर हो रहा है? यहां तक बातें साफ हैं, क्लियर हैं? कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, लेट्स टेक 5 मिनट्स। ओके, एक चीज और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको मैं 5 मिनट टाइम। अच्छा, हो गया क्या? हाँ, देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर यहाँ शायद मिस हो गया है। मिस हो गया। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर नहीं है, मैं बताता हूँ, लिख लो आप लोग, है ना, नोट करो। देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, हम प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन का मतलब क्या है? जैसे टी आपका हो गया कॉफी, है ना, बेवरेजेस, है ना, जिसको हम बोलते हैं बेवरेजेस। तो जब भी हम टी की, कॉफी की, इन सब का क्या करते हैं, इन सब की खेती करते हैं, इसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, है ना, प्लांटेशन फार्मिंग करते हैं। जैसे मान लो कि हम चाय पत्ती की खेती करें तो आपको आसाम में मिल जाएगा, कॉफी की खेती कर रहे हैं तो आपको कर्नाटक में मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि आप इन्हों को बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो आप नोट कर लो कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर, है ना, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप नोट करते हो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चर, इज एन एग्रीकल्चर इन विच टी को बता दो ना। ओके, इन विच के बाद लिखो इन विच बेवरेजेस प्लांटेशन आर डन, है ना, बेवरेजेस, बी बेवरेजेस, ओके, बेवरेजेस बी ई बी ई आर ए डी एस, ये बेवरेजेस, बेवरेजेस प्लांटेशन आर डन। ओके, फॉर एग्जाम्पल टी कॉफी, ओके, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, टी इन आसाम, कॉफी इन कर्नाटक। क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये तीन पार्ट जो है आपके कमर्शियल फार्मिंग में आते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो, तो अब मैं आपको देता हूं 5 मिनट, यह 5 मिनट, ओके, यह 5 मिनट, यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू वांट एंड एल्स यू विल एंड द सेशन। क्लियर है? चलो, तो जो भी डाउट वाला होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो सेशन को आज हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 हम लोग कल कवर करते हैं क्लास में। आपकी जो टाइमिंग होगी वो अगेन 3 PM होगी, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टुमारोज क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लास्ट पार्ट होगा एग्रीकल्चर चैप्टर का, और कल ये चैप्टर आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टुमारोज क्लास, ओके, एट 3 PM। क्लियर है? ओके, अगर आप मुझसे पर्सनली क्लास लेना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है, यू कैन टेक माई क्लासेस पर्सनली। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो आपको, सॉरी, फोन नंबर जो है, आपको फोन नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, तो चेक कर लेना, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम 1-on-1 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, बैचेस में नहीं। ओके, ऑलरेडी कई सारे बच्चे जो हैं क्लास 8 के 7 के 6 के, ओके, 9th के और 10th के बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, जिनको मैं अल्टरनेट डेज पे क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। ओके, आज भी मेरी 4-5 क्लासेस है, कल भी मेरी 4-5 क्लासेस, इस तरह से डेली क्लासेस होती है। तो अगर आप चाहते हो तो मुझसे पर्सनली भी पढ़ सकते हैं। ओके, वहां पर मैं आपको नोट्स दूंगा, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, उसके बाद मैं आपको आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा, आपके एनसीईआरटी के अलावा जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा हर चैप्टर के बाद। ओके, और आपका रिवीजन करवाऊंगा, प्रैक्टिस पेपर दूंगा, सब कुछ दूंगा, टेस्ट भी लूंगा, ये सब कुछ आपको हमारे पेड बैच में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।